तो हम देखने जा रहे हैं लीट कोड का कि ये थर्ड क्वेश्चन 3048 अर्लियर सेकेंड टू मार्क इंडेसेस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं है, टफ है थोड़ा सा। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको इस जगह पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक सॉरी दो एरे गिवन है, वन इंडेक्स के, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं, वन इंडेक्सिंग के एरे गिवन है। एक एरे है नम्स और एक है चेंज इंडेसेस हैविंग लेंथ एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एरे है पहला वाला और ये दूसरा एरे नम्स और चेंज इंडेसेस। इसका लेंथ है एन जो कि है तीन, और इसका लेंथ है एम जो कि है तीन, 3 6 2 8। ठीक है, तो मैं सेम टू टू सेम यहाँ पे लिखते चलता हूँ। ठीक है, तो पहली लाइन क्या बोल रही है कि तुम्हें एक एरे गिवन है नम्स, एक है चेंज इंडेसेस। नम्स की लेंथ है एन जो कि है 3, चेंज इंडेसेस की लेंथ है एम जो कि है 8। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इनिशियली ऑल इंडेसेस इन नम्स आर अनमार्क्ड, योर टास्क इज टू मार्क ऑल इंडेसेस इन द नम्स। तो कह रहा है कि इनिशियली नम्स में जो इंडेसेस हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, यहाँ पे लिखूँ 2, यहाँ पे लिखूँ 3, तो ये सारे अभी मार्क नहीं है। अगर मार्क नहीं है तो मैं इन पे गोला बना देता हूँ, इसका मतलब कि अभी मार्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन की ये वाली लाइन भी हमने समझ ली। फिर बोल रहा है इन ईच सेकेंड एस इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to m इंक्लूसिव यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच सेकेंड एस फ्रॉम 1 to m, तो 1 से लेके m तक, m की वैल्यू क्या है, हमने 8 लिखा ली है, 8, तो मींस 1 से लेके 8 सेकेंड तक इंक्लूसिव, मींस 1 भी होगा, 2 भी होगा, अप टू 8 भी इंक्लूडेड होगा। यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन। ठीक है, चूज एज इंडेक्स आई इन द रेंज 1 to n, 1 to n मीन्स 1 से लेके 3 तक इंक्लूसिव। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे निकाली हमने, एंड डिक्रीमेंट नम्स आई बाई 1। ठीक है, समझ गए, मीन्स अगर एरे है 2 2 0, ठीक है, तो तुमने लेट सपोज आई को चूज़ किया 2, लेट सपोज इसको चूज़ किया 2, तो 2 ये होगा तुम्हारा, ये सेकेंड इंडेक्स है, तो तुम उसको एक 1 से डिक्रीज कर सकते हो, तो 2 1 0 कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है, पहला ऑपरेशन समझ में आ गया। दूसरा ऑपरेशन है इफ़ नम्स ऑफ चेंज ऑफ इंडेसेस ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 मार्क्स द इंडेक्स चेंज इंडेसेस ऑफ एस। ठीक है, तो इसका मतलब है लेट सपोज अगर हमारा एरे है 2 2 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ये हमारा चेंज इंडेसेस एरे है, चेंज इंडेसेस। ठीक है, और हम एस कहाँ से लेके चल रहे हैं, 1 से 8, लेट सपोज एस का मान करेंटली एस हमारा है 2, या फिर लेट सपोज करेंटली एस हमारा है 1, तो हम अगर एस 1 है तो हम ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है डू नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। तो एस हमारा अगर 1 है, लेट सपोज 1 है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को नम्स में 1 से डिक्रीज़ कर दें, तो अगर नम्स हमारा है 2 2 0, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं, इसकी इंडेक्सिंग में दूसरे कलर से लिखता हूँ, लेट सपोज इससे लिखता हूँ। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी इंडेक्सिंग है 1 2 3। ठीक है, और एस हमारा है करेंटली 1, क्योंकि एस हमारा कहाँ से लेके जाना है, 1 से लेके 8 तक लेके जाना है मैक्सिमम। तो ऐसा अगर हमारा 1 है तो हम ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को नम्स बाई -1 कर दें, या फिर नम्स ऑफ चेंज इंडेसेस ऑफ एस अगर 0 है तो हम उसको मार्क कर दें इंडेक्स चेंज इंडेसेस एस। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, तुरंत समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज एस 1 था, तो हमने क्या किया, इसमें से किसी एक वैल्यू को -1 कर दिया, लेट सपोज मैंने इसको -1 कर दिया, तो ये क्या हो गया 1 2 0। फिर एस हमारा 2 हुआ, एस हमारा 2 हुआ, तो लेट सपोज फिर मैंने इसको ही 0 किया, इस वाली वैल्यू को 0 किया, तो हो गया 0 2 और 0। अब एस हमारा 3 हुआ, एस हमारा 3 हुआ, तो हमारे पास दो तीन ऑपरेशन, मतलब इन तीन में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने अब के क्या किया, एस 3 था तो
चेंज इंडेसेस ऑफ थ्री क्या है? चेंज इंडेसेस ऑफ थ्री है टू, तो मैं चाहूँ तो मैं टू को जाके मार्क करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन क्या हम टू को मार्क कर सकते हैं? अगर ये हमारा इंडेक्स टू है, टू को हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क करने की कंडीशन यह है कि इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, वो वाला इंडेक्स नम्स में ज़ीरो होना चाहिए। तो क्या ज़ीरो है? नहीं है। तो लेट सपोज एस की वैल्यू फोर हुई, एस की वैल्यू सॉरी 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 तो हम मार्क नहीं कर पाए, तो हमारे पास ऑपरेशन अभी क्या बचा है कि नम्स आई को माइनस वन कर दो या तो डू नथिंग करो। तो हमने क्या किया, इसको माइनस वन कर दिया, तो ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर हमने क्या किया, एस की वैल्यू फाइव ली, मतलब चार के बाद पाँच ही आएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, थ्री, तो हम इस एरे में जाके थर्ड वैल्यू को मार्क कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम थर्ड वैल्यू को देखें वो ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो हम उसको मार्क कर सकते हैं। तो हाँ, हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया, इस ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया, डू नथिंग मीन्स मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस, ठीक है, अभी के लिए खाली ये समझो कि नम्स ऑफ चेंज इंडेसेस ऑफ एस का मतलब क्या है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑपरेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो हम ये समझ गए ऑपरेशंस क्या हैं, हम ये समझ गए कि एन क्या है, एम क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें एक इंटीजर रिटर्न करना है एम वन से एम के बीच में, सच दैट सारे इंडेसेस ऑफ नम्स कैन बी मार्क। ठीक है, मीन्स अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये सारे अनमार्क है ना, देखो हमें इन सबको मार्क करना है, और मार्क करके जो सबसे कम सेकेंड पे मार्क हो जाएगा हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन का मतलब इस सॉल्यू क्या बोलते हैं, इस टेस्ट केस को एक्सप्लेन करता हूँ। टू टू ज़ीरो और एरे है टू 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 टू, चार टू, थ्री टू टू वन। ठीक है, मैं सब पे इंडेक्सेस लिख देता हूँ, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, मैंने सब पे इंडेक्सेस लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एस है हमारा वन से लेके एट, लेट सपोज एस हमारा है वन, अगर हमारा एस वन है तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ये तीन ऑप्शंस है। तो मैं क्या करता हूँ, एस ये हमारा चेंज इंडेसेस है, ये हमारा नम्स है। ठीक है, तो वन के करस्पॉन्डिंग क्या है, टू, वन के करस्पॉन्डिंग है टू, तो क्या मैं टू को यहाँ पे ज़ीरो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मतलब मार्क कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि टू के करस्पॉन्डिंग ये टू है, मार्क तभी कर सकते हैं जब इस टू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ज़ीरो होता, तो हम सेकेंड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मैं इस इंडेक्स को वन कर देता हूँ, एक डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, फिर ऐसा हमारा हुआ टू, तो टू के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, टू, तो क्या हम अब इस यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स को ज़ीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सॉरी मार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इसे ज़ीरो होना चाहिए था। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ज़ीरो कर देता हूँ, मतलब फिर ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा एस आता है थ्री, थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, टू, तो क्या मैं अब इसको टू को ज़ीरो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि टू को सॉरी मार्क कर सकता हूँ, मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इसको ज़ीरो होना चाहिए था। तो मार्क नहीं कर सकता, तो मैं पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, इसको एक वन से डिक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, इसके फोर के करस्पॉन्डिंग है टू, तो क्या मैं अब यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स को मार्क कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वन है, तो मैं अब इसको कर दूँगा ज़ीरो। ठीक है, अब इस फाइव के करस्पॉन्डिंग है थ्री, तो क्या मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को मार्क कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यह क्या है, ज़ीरो। मार्क करने की कंडीशन क्या है, इफ़ नम्स ऑफ चेंज इंडेसेस इज आई इक्वल्स टू ज़ीरो देन मार्क द इंडेक्सेस चेंज एस आई, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, लेट सपोज टिक मतलब मार्क। अब यहाँ पे क्या है, सिक्स करस्पॉन्डिंग है टू, या मैं बढ़ाना भूल गया था, फोर फाइव, अब एस हमारा सिक्स चल रहा है, एस हमारा सिक्स चल रहा है, तो सिक्स से करस्पॉन्डिंग है टू, तो क्या मैं अब सेकेंड इंडेक्स को मार्क कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स ज़ीरो है, तो लेट सपोज मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हमारा हुआ एस सेवन, एस है सेवन, सेवन के करस्पॉन्डिंग है टू, तो क्या मैं सेकेंड इंडेक्स को अब मार्क कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन वो पहले से ही मार्क है, तो उसे दोबारा से मार्क कर नहीं सकते। और क्या हम किसी इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर सकते हैं माइनस वन से,
मतलब वन उसमें माइनस कर सकते हैं, करने को कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं बनता करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डू नथिंग पे जाएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सब नंबर को ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है, और ऑलरेडी यहाँ पे सारे नंबर ज़ीरो बन चुके हैं। अब हम एस इक्वल्स टू एट होगा, एस एट होगा और एट के करस्पॉन्डिंग है वन, तो क्या अब हम वन इंडेक्स को मार्क कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वन इंडेक्स क्या है, ज़ीरो। अब हमारे सारे इंडेक्स मार्क हो गए हैं, और मिनिमम एस कितना लगा, एट लगा, तो हमारा इस केस में आंसर हो गया एट, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, और ये प्रूफ हो सकता है कि एट मिनिमम आंसर है। तुम सेवन या फाइव या थ्री एस की वैल्यू में तुम इसके सारे इंडेक्स को मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। चलो भाई चलो, अच्छा देखो तुम्हें क्या करना है, हर बार ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर मैं मान लो किसी एक एस की वैल्यू पे नम्स को, नम्स के किसी इंडेक्स को मार्क कर रहा हूँ, या फिर मान लो मैं किसी एक एस की वैल्यू पे नम्स के किसी इंडेक्स को मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँगा, या तो मैं उस टाइम पे नम्स के किसी नंबर को माइनस वन से माइनस कर रहा हूँगा, मीन्स माइनस वन कर रहा हूँगा उसमें, या तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँगा, डू नथिंग कर रहा हूँगा, ठीक है। यही दो चीज़ कर रहा हूँगा। अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मार्क नहीं कर रहा हूँगा, नम्स के किसी इंडेक्स को मार्क नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं ये दो ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँगा, या तो मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँगा, या तो डू नथिंग कर रहा हूँगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज तुम्हें गिवन है चेंज इन डिस्टेंस, जो गिवन है चार टू है, फिर थ्री है, फिर टू है, फिर टू है, फिर वन है, ठीक है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम एट तक, देखो मुझे नहीं पता आंसर क्या है, हाँ आंसर एट है, लेकिन अभी के लिए भूल जाओ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्या तुम एट तक इस कंप्लीट नम्स को मार्क कर पाओगे, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या कर पाओगे। तो अगर तुम सोचो तो क्या सोचोगे, भाई मेरे मुझे एक कंडीशन मिल गई है, अभी तक मुझे मिनिमम चाहिए था, लेकिन अब मिनिमम नहीं चाहिए, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या जो मैंने तुम्हें एन की वैल्यू दी है, लेट सपोज मैंने तुम्हें एस दिया है एट, तो क्या तुम आठ ऑपरेशन में नम्स को मार्क कर पाओगे कि नहीं, सारे नम्स को मार्क कर पाओगे कि नहीं। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हारे पास क्या 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 तरीके हैं। देखो एस तो तुम्हारे पास अब फिक्स हो गया, अभी तक तुम्हें क्या चाहिए था कि एक एस रिटर्न करना था, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या किसी एक एस की वैल्यू पे तुम सारे नम्स को मार्क कर पाओगे कि नहीं। अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे पास क्या ऑपरेशन है, तो तुम क्या करोगे। देखो नम्स है टू टू ज़ीरो, ठीक है, तो तुम्हें इतना पता है कि मुझे अगर सारे नम्स को मार्क करना है तो हमें कुछ ना कुछ करके पहले सबको ज़ीरो तो बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें वन को मार्क करना है, सपोज तुम्हें इस इंडेक्स को मार्क करना है, तो वन इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो टू है उसे ज़ीरो तो किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। टू के करस्पॉन्डिंग जो टू है उसे तुम्हें पहले ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी तुम मार्क कर पाओगे। तो मार्क करने की कंडीशन क्या है, किसी इंडेक्स को मार्क करने की कंडीशन तभी पॉसिबल है जब उसको तुम ज़ीरो बना लो। और अगर तुम किसी नंबर को ज़ीरो बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसमें माइनस वन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो तुम ट्राई करो, अगर मैं तुम्हें एस बोला है एट, तो तुम ट्राई करोगे अगर इस वन इंडेक्स को ज़ीरो बनाने के लिए, और वन इंडेक्स को अगर तुम्हें मार्क करना है, तो तुम ट्राई करोगे कि वन इंडेक्स जो ये इसमें है, तो इसमें जो लास्ट जहाँ पे वन प्रेजेंट है मैं वहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है। मैं इस जगह पे मार्क करूँगा, ये वन लास्ट है तो मैं मार्क यहाँ पे करूँगा, और जो बाकी यहाँ पे नंबर्स हैं, जो इतने ऑपरेशंस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मैं इन पे माइनस वन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ये वाला चूज़ एन इंडेक्स आई इन द रेंज एंड डिक्रीमेंट बाई वन। इससे क्या होगा कि मेरे को इस टू को ज़ीरो में कन्वर्ट करने के चांसेस मिलेंगे, और मार्क मैं एकदम लास्ट में करूँगा। अब देखो इस टू के करस्पॉन्डिंग टू है, तो इसको तभी मार्क कर सकते हो जब ये ज़ीरो बन जाए, ठीक है। इस टू के करस्पॉन्डिंग ये टू है, और इसको तभी मार्क कर सकते हो जब ये ज़ीरो बन जाए।
तो मैं क्या करूँगा, इस एरे में जो लास्ट टू है मैं वहाँ पे मार्क करूँगा ये, और उसके पहले जो भी नंबर्स हैं, जो भी एस की वैल्यूज़ हैं, मैं उन पे ट्राई करूँगा इसको ज़ीरो बनाने का। ठीक है, तो मैं लास्ट इंडेक्स पे मार्क करूँगा और उसके पहले वाले इंडेक्स पे उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में, हमारी टेक्निक समझ में आ गई। अभी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। अब मैं क्वेश्चन में मिनिमम एस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें एस की वैल्यू 8 दी है तो क्या तुम उस एस में इस एरे को, इस पूरे एरे को मार्क कर सकते हो कि नहीं। तो हमने ये तरीका निकाला कि मैं अगर इस वन के करस्पॉन्डिंग टू है तो मैं इस इंडेक्स को मार्क एकदम लास्ट में करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज 1 2 3, इसमें वन का लास्ट लास्ट अक्रेंस क्या है 8, इसमें टू का लास्ट अक्रेंस क्या है 7, इसमें थ्री का लास्ट अक्रेंस क्या है 5, इस एरे में, ये चेंज इंडेक्स एरे है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें ये पता चल गया सी एच, सॉरी सी एच मतलब चेंज एड्रेस। ठीक है, तो वन का लास्ट अक्रेंस हमने निकाल लिया, टू का लास्ट अक्रेंस निकाल लिया, थ्री का लास्ट अक्रेंस निकाल लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये इसका इंडेक्स है 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि वन का लास्ट अक्रेंस 8 है, तो मैं इस वन को मार्क करने के लिए इस 8th इंडेक्स पे ही मार्क करूँगा, यहाँ पे मार्क करने, यहाँ पे मार्क करूँगा। ठीक है, इस 2 का इंडेक्स लास्ट क्या है 7, तो मैं इस इंडेक्स को मार्क करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। इस 3 का लास्ट इंडेक्स है 5, तो मैं इस 3 को मार्क करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ पे क्या है 2, ये 2 है, तो क्या ये 2 अपने लास्ट इंडेक्स पे है, मीन्स इस 2 का लास्ट इंडेक्स कहाँ पे है, या फिर ये कह सकते हो ये 2 क्या सबसे आखिरी में है सारे में, नहीं अभी 2 एक और यहाँ पे भी है, तो मैं इस 2 को एज अ ऑपरेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम मार्क नहीं कर रहे हैं, और जब हम मार्क नहीं कर रहे हैं तो हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, या तो -1 या तो डू नथिंग। और मार्क हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, 8 पे 7 पे 5 पे, 8 पे 7 पे 5 पे। तो जब हम मार्क नहीं कर रहे हैं तो हम या तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हमने जब मार्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हम मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हमारा हो गया 1। यहाँ पे क्या हम मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हो गया हमारा 2। यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हो गया हमारा 3। यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हो गया हमारा 4। यहाँ पे क्या हम मार्क कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो जब हम मार्क कर रहे हैं तो हम ये वाला ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं तो हम -1 नहीं परफॉर्म कर सकते। तो मार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मार्क करने के लिए हमें उस इंडेक्स पे 0 चाहिए होगा, या तो 0 0 चाहिए होगा, तो उस इंडेक्स पे क्या है 0 है, तो मीन्स हम उसको मार्क कर सकते हैं, हाँ मार्क कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, और टोटल ऑपरेशन हमारे अभी क्या हैं, 0 हैं, हमारे ऑपरेशन कम नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ पे 0 पहले से ही था। लेट सपोज अब हम ये 6 पर आएँ, 6 पर आएँ, 6 पे क्या है 2, तो क्या हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हमारा क्या हो गया 5। अब हम 7 पे आएँ, 7 पे क्या है 2, यहाँ पे क्या हम मार्क कर रहे हैं, हाँ मार्क कर रहे हैं, सर्कल है ना, मीन्स मार्क कर रहे हैं। और मार्क करने की कंडीशन क्या है, जो ये 2 है इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो 0 हो जाए। क्या वो 0 है, नहीं, वो तो 2 है, और अगर वो 2 है तो हमें उसके दो दो बार माइनस करना होगा तभी वो 0 बनेगा। तो हमारे पास करंट ऑपरेशन कितने हैं 5, और हमें इसको 0 बनाने के लिए कितने ऑपरेशन चाहिए 2, तो हम क्या इसको 0 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और ऑपरेशंस में से दो ऑपरेशन यूज़ कर लिए। अब हमारे पास बचे 3 ऑपरेशंस। अब हम आए इस वाले इंडेक्स पे, हमें इस पे क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के लिए 8 के करस्पॉन्डिंग है 1, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 2, तो हमें मार्क करना है। तो इस 2 को हमें 0 बनाना पड़ेगा, इस 2 को 0 बनाने के लिए हमें दो ऑपरेशंस लगेंगे। हमारे पास कितने ऑपरेशंस एग्जिस्टिंग है, 3, तो 3 में से दो ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे और एक ऑपरेशन बचेगा, और इसको भी 0 बना देंगे तो हम इसको भी मार्क कर देंगे। तो हमने ये भी सारे इंडेक्सेस को मार्क कर दिया। तो बेसिकली हमने ये अभी सॉल्व कर लिया कि अगर मैं तुम्हें एक गिवन वैल्यू एन की दे दूँ, एस की वैल्यू एक दे दूँ, और उसमें क्या तुम ये बता सकते हो कि हम सबको मार्क कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने ये देख लिया, हाँ हम ये बता सकते हैं।
तो लेट सपोज ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बताता हूँ, मिनिमम एस कैसे निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम एस कैसे निकालेंगे, लेट सपोज एरे यहाँ पे हो, इसके आगे भी एरे एग्जिस्ट करता, ठीक है। वन होता, फोर होता, सिक्स होता, टू होता, ठीक है। इसके आगे भी एरे एग्जिस्ट करता तो हमारी इंडेक्सेस भी थोड़ी सी बढ़ जाती। तो यहाँ पे क्या होता, नाइन होता, यहाँ पे टेन होता, यहाँ पे इलेवन होता और यहाँ पे ट्वेल्व होता, ठीक है। अगर मैं तुमसे फिर बोलता कि लेट क्या तुम एस इक्वल्स टू टेन पे इस सारे नम्स को मार्क कर पाओगे कि नहीं, मीन्स यहाँ तक, मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ तक तुम मार्क कर पाओगे। अगर तुम्हें यहाँ तक मार्क करना है तो वन का लास्ट अकरेंस क्या है, ये, टू का लास्ट अकरेंस क्या है, ये, थ्री का लास्ट अकरेंस क्या है, ये, ठीक है। क्या तुम इस एरिया तक मार्क कर पाओगे कि नहीं, एस इक्वल्स टू टेन तक, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तो तुम सेम चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो तुम लगाओगे और बोलोगे हाँ मैं मार्क कर पाऊँगा। अगर तुम एस इक्वल्स टू टेन तक मार्क कर पा रहे हो, फिर मैं तुमसे बोलूँ क्या तुम एस इक्वल्स टू ट्वेल्व तक मार्क कर पाओगे कि नहीं, फिर तो जो चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताई थी जो चीज़ वो तुम फिर से लगाओगे, फिर बोलोगे हाँ एस इक्वल्स टू ट्वेल्व पे भी मैं मार्क कर पा रहा हूँ। तो तुम देखोगे अगर एस इक्वल्स टू टेन पे मार्क कर पा रहा हूँ तो मैं ट्वेल्व पे भी कर पा रहा हूँ, और अगर ट्वेल्व पे कर पा रहे हो तो इसके आगे कोई भी नंबर्स लिख लो, तुम उस सब पे मार्क कर पाओगे, उस सब पे मार्क कर पाओगे। तो जब तुम टेन पे मार्क कर पा रहे हो तो मीन्स इसकी लेफ्ट में, सॉरी राइट में सब नंबर पे मार्क कर पा रहे हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें राइट ना जाके लेफ्ट जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम अपने एस को छोटा कर रहे हो, और एस को जितना छोटा कर पाओगे उतनी अच्छी बात है। तो तुम एक बाइनरी सर्च लगाओगे वन से लेके एम तक, जो इस केस में एट है, ठीक है, और हर एक एक वैल्यू पे चेक करोगे। तो लेट सपोज तुमने चेक की एम प्लस एन बाई टू पे, अगर तुम इस पे मार्क कर पा रहे हो तो तुम फिर क्या क्या करोगे, वन टू लेके एम प्लस वन बाई टू, फिर अप टू एम, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो तुम अगर इस पे कर पा रहे हो तो तुम क्या करोगे, फिर इन पे चेक करोगे, फिर ऐसे ही तुम्हारा सर्च स्पेस घटता रहेगा। दिस इज़ अ सिंपल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम। पहले हमने ये देखा कि क्या हम एक किसी फिक्स एस पे प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर हम उस फिक्स एस पे प्रूफ कर पा रहे हैं तो हमें ये पता है कि हम एस प्लस वन पे भी कर लेंगे, एस प्लस टू पे भी कर लेंगे, एस प्लस थ्री पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही अप्रोच हो रहा है। अब इसका मैं अगर कोड दिखा दूँ, अगर मैं इसका कोड दिखा दूँ तो मैंने गलती कर दी शायद इरेज करके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, हाँ ठीक है, ये हो गया। देखो ये सिंपल बाइनरी सर्च जो मैंने बोला वन से लेके जे प्लस आई प्लस जे बाई टू तक, अगर तुम किसी एस के लिए कर पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, अपना सर्च स्पेस और छोटा करना है, ठीक है। और अगर लास्ट में आंसर माइनस वन है तो माइनस वन रिटर्न कर दिया, नहीं तो आंसर प्लस वन रिटर्न किया, क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक मैप बनाया जिसमें लास्ट अकरेंस रख लिया है। तो जैसे ये मैप वन के करस्पॉन्डिंग एट, टू के करस्पॉन्डिंग सेवन, थ्री के करस्पॉन्डिंग फाइव, ये चीज़ सेव हुई होगी इसमें, ठीक है। फिर मैंने एक एक करके ज़ीरो से लेके एफ तक चलें। एफ क्या है हमारा, एक मिडिल एलिमेंट है, मीन्स बाइनरी सर्च। तो लेट सपोज अगर इसमें एफ हमारा एट था, तो हम यहाँ पे आए होंगे, हमने ये देखा क्या ये हमारा लास्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स नहीं है, तो मीन्स क्या हुआ, ये एक हमारा ऑपरेशन की तरह काउंट होगा, ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, फिर ऑपरेशन थ्री, फिर ऑपरेशन फोर, लेट सपोज इस पे आए, ठीक है। तो लाइन नंबर 14 में क्या हुआ होगा, क्या ये लास्ट इंडेक्स है, आई इक्वल्स टू एम पी ऑफ चेंज ऑफ आई, हाँ ये लास्ट इंडेक्स है। मीन्स अगर ये लास्ट इंडेक्स है तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि हम उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर मान लो इस पे आए होंगे तो वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टू है, तो हमें देखना है कि जितने हमारे ऑपरेशन हैं, मीन्स जितने टोटल है हमारा, इस केस में मैंने ऑपरेशन को टोटल लिखा हुआ है, तो मीन्स जितने ऑपरेशन हमारे पास एग्जिस्टिंग है, क्या उस ऑपरेशन में हम इस टू को ज़ीरो कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इस वन के करस्पॉन्डिंग जो टू है इसको ज़ीरो करने में दो ऑपरेशन लगेंगे, और अभी तक हमारे पास यहाँ पर चार ऑपरेशन हैं, तो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, कर सकते हैं तो हमने ऑपरेशन को माइनस कर दिया है और एक मार्क कर दिया, मीन्स उसको मार्क कर दिया ना उसके बाद, और लास्ट में देखा अगर हमने सारे एलिमेंट्स मार्क कर दिए हैं तो रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है।
तो मे बी क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, मे बी मैंने एक्सप्लेन थोड़ा गलत किया होगा, तो उसके लिए अगर सॉरी, अगर समझ में नहीं आया, मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेन दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा खुद से पहले समझो, ठीक है? पहले इस वाले एग्जांपल को दोबारा समझो, अगर इसको दोबारा खुद से समझ लोगे तो एक्सप्लेनेशन भी समझ लोगे, ठीक है?